वो वहां पे जमा हुए हैं और ये कह रहे हैं कि 2024 में मैं बीजेपी सरकार को हटाऊं। मैं तो पहले कह चुका हूं कि 2024 में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। ये जितना भी विपक्षी एकता आप देख रहे हैं सब ढकोसला, सब झूठ है, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए है। अब इस मीटिंग में बैठी हुई है ममता बनर्जी, क्या कांग्रेस से समझौता कर लेंगे वो? इस मीटिंग में बैठे हुए अरविंद केजरीवाल, वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बैठे हुए हैं कि जो अध्यादेश जारी हुआ है उनके खिलाफ में, उसके संबंध में चाहते हैं कि तमाम विपक्ष सबको राज्यसभा में अपना मत दे, जो संभव नहीं है। इस मीटिंग में और कई लोग बैठे हुए हैं तो सबका अलग अलग इशूज है। अखिलेश यादव जी बैठे हुए हैं, या बिहार में बैठक हो रही है तो क्या बिहार में कांग्रेस मान जाएगा कि उसको सीट नहीं मिलेगा तो क्या समझौता कर लेगा कांग्रेस के लोग? नहीं करेगा। इसलिए ये दिखावी है। देखिए, जो व्यक्ति, आपको याद होगा 1974 की कहानी याद है, देश में लागू देश में इमरजेंसी लागू हुआ, किसने लागू किया? कांग्रेस के लोगों ने लागू किया, संविधान को तोड़ मरोड़ दिया। और उस इमरजेंसी के खिलाफ लालू यादव और नीतीश कुमार जेल गए थे। आज किस मुंह से वो उनके साथ जा रहे हैं? ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और खास करके बिहार के लिए बहुत ही खराब संदेश है। इसलिए विपक्षी एकता ये नहीं है। अमित शाह जी ने बोला है कि फोटो सेशन चल रहा है पटना में। हाँ, तो फोटो सेशन तो है।